हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग एडू ऑनलाइन, अ चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 6 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रायंगल्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सम थ्योरम्स आर देयर विच वी हैव टू लर्न एंड सम प्रीवियस थ्योरम्स वी हैव टू यूज। सो ध्यान से हमें इस सीरीज को समझना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 10th के लिए। तो ये शुरू करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स इन डिटेल। आपने क्लास 9th में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया है, उसकी सभी क्राइटेरिया पर डिस्कस किया है। एक ओवरव्यू लेते हैं। दीज वर द क्राइटेरियाज, ये वो क्राइटेरियाज थी जिनको आपने यूज किया था ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। यस, एम आई राइट? टू फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। कोई भी टू फिगर्स कॉन्ग्रेंट कब कहलाती हैं? जब उनका शेप और उनका साइज दोनों सेम होता है, मतलब एक जैसा हो, शेप भी एक जैसी हो और साइज भी एक जैसा हो, तब हम उन्हें शेप को क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यदि कोई दो फिगर्स एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेती हैं, ओवरलैप मतलब जैसे हम अपने दोनों हाथ रखते हैं एक जगह, वो दोनों सारी उंगलियां एक दूसरे को पूरा कवर कर लेती हैं, दोनों तरफ से देखेंगे तो एक ही हाथ दिखाई देगा, इस तरह से अगर कोई फिगर हो जाती हैं तब हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। बट इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, इसमें हम किस पर डिस्कस करेंगे? इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ऐसी फिगर्स के साथ हम डील करेंगे जिनका साइज सेम हो या ना हो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट शेप सेम होगी आपकी। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज। नॉट नेसेसरली द सेम साइज मतलब साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है, हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेप अगर सेम है तो वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। इन दिस चैप्टर और इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर सिमिलर फिगर्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर देता है इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, यदि आपने इसको ध्यान से समझ लिया। सिमिलर फिगर के कुछ एग्जाम्पल देखें हम, जैसे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके आप शेप देखेंगे तो सबकी एक जैसी होगी, बस कोई छोटा होगा कोई बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, बट देखने में सारे एक जैसे लगेंगे। तो ये क्या है, क्या कहेंगे मैंने? सिमिलर ट्रायंगल्स। ऐसे ही ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सारे सर्किल राउंड शेप में ही होते हैं। रेडियस मे बी डिफरेंट बट द शेप विल बी सेम। रेडियस कम या ज़्यादा होने से साइज पर फर्क पड़ेगा लेकिन शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्किल पर। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। इन दिस सीरीज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आप देखेंगे छोटा है ये बड़ा स्क्वायर है, देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, शेप दोनों की सेम है बट साइज क्या है? डिफर है। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। बट इन पर्टिकुलर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द सिमिलर ट्रायंगल्स। हम सिमिलर ट्रायंगल्स पर केवल फोकस करेंगे इस चैप्टर में। ये जो अदर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं सर्किल स्क्वायर, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स पर। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं और कैसे उनका बेनिफिट ले सकते हैं, और इसका यूज़ करेंगे हम अपने पाइथागोरस थ्योरम, सभी ने पढ़ी होगी और यूज़ भी आपने कई बार की है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ हम कैसे करेंगे वो भी हम सिमिलर ट्रायंगल की मदद से करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। सो अगर हम पॉलीगन्स की बात करें कि टू पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे, सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन मीन्स द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज अ पॉलीगन। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑल दीज आर पॉलीगन्स। तो टू पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे, दो कंडीशन हमें देखनी है वहाँ पर। फर्स्ट, दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, एंड दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी
चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो दो पॉलीगन क्या हैं, सिमिलर हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे दो स्क्वायर हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस स्लाइड, उस पर मैं डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर देखेंगे ऑल एंगल्स आर 90, स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड हेयर, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो निकालेंगे अगर, तो ए बी का पी क्यू से निकालेंगे, बी डी का क्यू आर से निकालेंगे, सी डी का एस आर से निकालेंगे, सो क्या मिलेगा हमें, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, इट मीन्स 1/2, 1/2, 1/2। सो द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब आप यहाँ देखेंगे ये स्क्वायर का नाम क्या होगा, अगर मैं इस स्क्वायर का नाम पूछूं आपसे तो इसका क्या नाम होगा, कैसे लिखा जाएगा, यदि इसे लिखा जाए, जैसे मैं इसको लिखूँ तो पी क्यू आर एस इज द नेम ऑफ दिस स्क्वायर, तो ऐसे ही इस स्क्वायर का क्या नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट, तो ये हमारे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे मैंने देखे वो रेक्टेंगल को भी सिमिलर बता देते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, सम रेक्टेंगल्स मे बी सिमिलर, कुछ रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, फर्स्ट क्राइटेरिया को तो हर एक पेयर ऑफ रेक्टेंगल फुलफिल करेगा कि एंगल्स आर इक्वल, चूंकि रेक्टेंगल के एंगल 90 होते हैं, तो दोनों एंगल, दोनों रेक्टेंगल के एंगल्स जो होंगे वो 90 ही होंगे। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है, ये हर बार फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी साइड 2 है, तो ये हमारी 4 है, इसका इससे रेशियो निकालेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा, इसका इससे निकालेंगे 4 और 8 का तब 1/2, 2 का 4 से निकालेंगे 1/2, 4 का 8 से निकालेंगे 1/2। सो यहाँ पर तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है, सो ये दोनों रेक्टेंगल तो सिमिलर होंगे, लेकिन सपोज ये साइड आपकी 5 हो जाए और ये 7 हो जाए, देन 2/5 और ये 4/7, अब रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम देखें पेंटागन में, तो दीज टू पेंटागन विल बी सिमिलर, आप देखेंगे एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं आपके 105 105 100 100, 70 70 85 85। अगर आप रेशियो निकालेंगे 2.1 का 4.2 से तो आपको 1/2 मिलेगा, 2.4 का 4.8 से रेशियो निकालेंगे 1/2 मिलेगा, सिमिलरली आप अदर टू साइड्स का कैलकुलेट करेंगे तब वो भी आपको 1/2 मिलेगा। सो दीज पॉलीगन्स आर सिमिलर, ये दोनों स्क्वायर सिमिलर हैं, रेक्टेंगल सिमिलर हैं और ये पेंटागन भी सिमिलर हैं। सो टू पॉलीगन्स यदि सिमिलर हैं तब हमें चाहिए क्या कि उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है तब हम उन्हें सिमिलर नहीं कह सकते हैं। सो नाउ वी प्रोसीड टुवार्ड द एक्सरसाइज, इसकी क्राइटेरिया सिमिलरिटी की क्राइटेरिया पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी कवर द एक्सरसाइज 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ वर्ड मिसिंग है वो हमें फिल करने हैं। सो ऑल सर्किल्स आर, क्या होते हैं सारे सर्किल, कॉन्करेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दीज आर ऑल्सो सिमिलर, एंड ऑल डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से प्रकार के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोस्केल और इक्विलेटरल, यस ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, अभी जो हमने सीखा लास्ट स्लाइड में, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब होंगे वो सिमिलर, इफ नंबर वन दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सो दीज आर द फिलअप्स विच वी हैव फिल्ड अप। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ दिस एक्सरसाइज इज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, किसके पेयर के एग्जाम्पल देने हैं, सिमिलर फिगर्स के, टू एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। सो सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अ पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई से भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेयर ले लीजिए वो सिमिलर होगा, अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स, कोई से भी दो स्क्वायर आप ले लीजिए वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें किसका देना है, नॉन सिमिलर फिगर्स का, तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए आप आसानी से ले सकते हैं, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर आर नॉन सिमिलर, ट्रायंगल एंड रोम्बस दीज आर ऑल्सो नॉट सिमिलर। आप चाहें तो इनकी फिगर भी आप बनाकर दिखा सकते हैं अपनी नोटबुक में, और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, एग्जामिनर के ऊपर उसका आपका अच्छा इंप्रेशन
जाता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो हमें ये क्वाड्रिलेटरल दो दिए गए हैं, हमें बताना है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। सो पॉलीगन है दोनों, हमें पॉलीगन के हमारे पास दो टेस्ट हैं। फर्स्ट वी चेक ऑल एंगल्स आर इक्वल और नॉट, तो ये तो पहली क्राइटेरिया में फेल हो जाता है। इस जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है, इसके ऑल एंगल्स आर 90, बट इन द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल एंगल्स आर नॉट 90। सो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी फेल हो रही है, बट अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाली चेक करेंगे तो वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। इसकी सारी साइड 1.5 है और इसकी सारी 3 है, तो सभी का रेशियो क्या आएगा, 1/2। लेकिन एक क्राइटेरिया के फुलफिल होने से दो पॉलीगन सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। सो द सॉल्यूशन इज क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, दैट इज 1:2, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। सो देर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज एंड वी हैव ऑल कवर्ड हियर। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो आपको जरूर देखनी है, उसका यूज़ हम कई जगह और कई तरह से करते हैं।